हूँ रियाज शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल। जैसे कि अभी विधानसभा 2024 का बुगुल जिस तरह से फूका जा चुका है और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचने लगी है, दोस्तों हम बताने वाले हैं आपको आज से वो ओपिनियन जनता का, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का ओपिनियन हम जनता का आप तक पहुँचाने वाले हैं कि इसकी अब की बार कौन बनेगा आमदार। उसके लिए हम लगातार आपके साथ प्रयास करते रहेंगे और इस वक्त हम गिट्टी खदान, पश्चिम नागपुर के गिट्टी खदान IBM रोड मस्जिद के पास, यहीं से शुरुआत हो रही है इस प्रोग्राम की कि अब की बार कौन बनेगा आमदार। तो चलते हैं, बात करते हैं, यहाँ की जनता से बात करेंगे, ओपिनियन लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा 2024 में कौन रहेगा आमदार, जानने की कोशिश। करते हैं, आज यहाँ बहुत सारे लोग हैं हमारे, आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर क्या अब की बार कौन बनेगा आमदार नागपुर पश्चिम में? विकास ठाकरे। क्यों विकास ठाकरे? क्यों? पुराना आदमी है, अच्छा कार्य करता है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं भाई आप? विकास ठाकरे। विकास ठाकरे जी, हाँ, इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया विकास भवन ने। अच्छा, वैसे बता सकते हैं कुछ काम? देखिए यहाँ आपको गट्टू लगा हुआ दिखेगा इस पूरे एरिया में, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का काम किया, रोड का काम किया है, आगे गटर लाइन से लेके सभी काम किए विकास भवन ने। विकास भाव ठाकरे, क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख नईम अहमद। क्या कहेंगे नईम भाई, क्या इसकी अब की बार कोई नया चेहरा देखना चाहते हैं या विकास ठाकरे को देखना? नहीं, विकास ठाकरे जी को देखना चाहते हैं, वो बेस्ट आदमी है और हर काम के लिए वो आगे बढ़ जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम लेके गए तो तुरंत उसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल। तो इस बार भी क्या हम विकास ठाकरे जी को देखना चाहते हैं? 29 को फॉर्म भरने वाले हैं, लेकिन लगातार जो अपनी रेस में है वही आएगा इस बार आमदार नागपुर पश्चिम का। क्या नाम है साहब आपका? क्या कहना चाहेंगे इस बार? क्या कहना चाहेंगे बोले? तो आगे आइए थोड़ा सा, बता दीजिए। बोलिए ना, बोलिए ना, इस बार कौन, अरे आपका आमदार कौन रहेगा? विकास ठाकरे जी। बताइए। विकास ठाकरे जी रहेंगे। विकास ठाकरे, क्या नया चेहरा नहीं देखना चाहते? उन्हें हम यहाँ पे काम करें ना, वही आना चाहिए, वही आना। तो नागपुर पश्चिम में एक ही आवाज़ विकास ठाकरे की, जिस तरह से डिमांड बढ़ती जा रही है, हम इधर से आने जाने वाले लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिसने काम किया वही तो नागपुर पश्चिम पर राज करने वाला है, जिस तरह से विकास भाव ठाकरे थे। भाई साहब एक मिनट, पांडे में चलते हैं, आइए भाई। इस बार कौन है आमदार, आप किसको चुनकर लाना चाहते हैं? थोड़ा खड़े हो जाइए, दोनों आइए ना, आइए ना, आइए इस खड़े हो जाइए। इस बार किसको आमदार देखना चाहते हैं? विकास भाव। विकास भाव ठाकुर, क्यों उनको ही क्यों देखना चाहते हैं? देखो यार, बोलिए ना, बोलिए क्यों? अच्छा, विकास भाव ठाकरे को ही आमदार ये भी देखना चाहते हैं। और हम बात करेंगे बहुत सारे लोगों से। एक मिनट सर। सर इस बार नागपुर पश्चिम में जो जिस तरह से माहौल चेंज हो रहा है, किसे आप आमदार देखना चाहते हैं? आमदार तो असल में विकास ठाकरे का ही हमारा पहले से सपोर्ट रहा है। हाँ। और इस बार भी हम उसी को सपोर्ट करने वाले हैं। इस बार भी बिल्कुल उनको सपोर्ट करने वाले हैं। ओके, तो क्या आपको उम्मीद क्या है विकास ठाकरे से, क्यों आपको उनको चुनकर लाना चाहते हैं? उम्मीद बस वही है, देश का जो माहौल है, माहौल को मद्देनजर रखते हुए शहर भर में जो उनका हुआ है डेवलपमेंट अपने पश्चिम को लेके, तो हर एक चीज़ को मामला पे लेके हम तो उसको लोकसभा में देखना चाह रहे थे, मगर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। आपका शुभ नाम क्या है? सुल्तान। सुल्तान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे TNN से बात करने के लिए। दोस्तों हम और नए लोगों से बात करना चाहते हैं। एक मिनट भाई, इस बार अभी विधानसभा इलेक्शन आना है, किसको आमदार देखना चाहते हैं पश्चिम में? किसको आमदार देखना चाहते हैं पश्चिम में? कौन चुन के आ सकते? अभी इलेक्शन में तो अपने इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। अगर वोट देना रहा तो किसको देंगे आप? कांग्रेस। कांग्रेस को, मतलब विकास ठाकरे को? विकास ठाकरे। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए। और ऐसे कई आगे भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त हम IBM रोड पर हैं, गिट्टी खदान में। IBM रोड कहा जाता है, काफ़ी फेमस है IBM रोड। और बच्चे आप देख रहे हैं कि कैसे मेरे साथ यहाँ लगातार बच्चे जो हमारी कवरेज को देख रहे हैं, निखारने की कोशिश जो कर रहे हैं। हमारे को
आरिफ भाई, आरिफ भाई बिल्कुल बोलेंगे आज। आरिफ भाई का ये बोलना है कि वो बोल नहीं सकते हैं, और TNN24 न्यूज चैनल ऐसा चैनल है जो नहीं बोलने वाला है उसको भी बोलने लगा देता है। दोस्तों आरिफ भाई, इस बार किसको आमदार देखना चाहते हैं? विकास ठाकरे को। विकास ठाकरे को क्यों? विकास ठाकरे को देखना चाहते हैं? विकास करा उसने, विकास भाव ने। अच्छा, उनका नाम ही विकास है। नाम ही विकास है, और बहुत से मस्जिद के आजू बाजू भी काम करे, हर मुस्लिम समाज के लिए काम करे उन्होंने, उनके लिए दौड़े है, बहुत से काम करे ऐसे, तो उनको कोई हरा नहीं सकता। मतलब काम है उनका, वर्क है। कैसा कांग्रेस का गढ़ है? अच्छा, सुरेंद्र गढ़ कांग्रेस का गढ़ है। हाँ, IBM मस्जिद वाला इलाका इलाका। अच्छा, तो मतलब विकास ठाकरे ये है आपका ये उम्मीदवार है। चलो ठीक है, आइए हम बात करते हैं। चाचा, किसको इस बार आमदार देखना चाहते हैं, चीचकार को या विकास ठाकरे जी? विकास ठाकरे को। क्यों ऐसा? क्योंकि काम वाम अच्छे चल रहे हैं ना इसका। अच्छा, तो दोस्तों इस वक्त हम गिट्टी खदान IBM मस्जिद जो मेरे पीछे में है इस वक्त, क्या नाम है दादा? असगर। असगर? हाँ, असगर। वो असगर तो नहीं ना? नहीं नहीं, असगर। तो कहाँ पे रहते हैं आप? यूपी। यूपी रहते हैं, तो फिर ये वोट कहाँ था आपका? है जी, वोट कहाँ देते हैं आप? बिजनौर में। बिजनौर में देते? अगर यहाँ रहते तो किसको देते? यहाँ देते हैं, आपको दे देंगे। और कुछ? मेरे को दे देंगे, और मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ साहब। बस और कुछ कहो। विकास ठाकरे जी लड़ रहे हैं, वैसे मैंने आपका आपका वोट मुझे है जो है ही नहीं है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि मुझे वोट देना चाह रहे हैं ना, मुझे वो इलेक्शन में लड़ाना चाह रहा है, मुझे आमदार बनाना चाह रहा है, जो कि मैं नहीं बनना चाहता हूँ। तो भाई काम नहीं है टाइम। अच्छा, इनके पास टाइम नहीं था, साहब के पास में। तो हाँ सर, इस बार आमदार नागपुर पश्चिम में किसे देखना चाहते हैं, कौन बनेगा आमदार? सीधी सी बात, आई एम नॉट इंटरेस्टेड पॉलिटिक्स। क्यों सर? नहीं, वोट तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट की बात नहीं है, पर हम तो वोट देते हैं ना। देते हैं, तो बट कैसा है, पॉलिटिक्स बोलता कुछ है करता कुछ है, दिखाता सपने हजार करता एक भी नहीं, इसलिए पॉलिटिक्स से हेट है, सीधी बात। बिल्कुल, आई रिस्पेक्ट यू सर, नो प्रॉब्लम, पर वोट तो देते ही होंगे ना सर? किसी नहीं, तो इस बार अच्छा किसको आप देता ही नहीं हूं सर? नहीं देता हूं, सॉरी। नहीं देते आप? ना नहीं सर, ये तो देना चाहिए अपना मताधिकार। हाँ, मताधिकार है, बट उनका भी मताधिकार है ना, जब अपन कोई गरीबों को बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, तो उनका भी अधिकार होता है ना सर, वो करते नहीं है सर कुछ। अच्छा, तो सभी नेता ऐसे नहीं होते ना सर? सर सभी वैसे होते हैं, वो सिर्फ कुछ दिन सपने दिखाने के होते, चार दिन की चांदनी बाकी काली रात। बहुत दर्द है यार आपके दिल में, बहुत। ओके सर, जाओ सर। ओके, थैंक यू। तो कहीं खुशी तो कभी गम, इस तरह से देखने को मिल रहा है साहब। एक मिनट, क्या नाम है? मनीष। मनीष सर, इस बार नागपुर पश्चिम में किसको आमदार देखना चाहते हैं? सर अब ये पॉलिटिक बहुत बड़ी चीज है, हम तो कोई भी आए हम लगे उनके साथ में, कांग्रेचुलेशन, कोई भी आए हमें। पर किसी को तो चुनकर देखना होगा ना? एक सर साहब अपने ही है, किसी को क्या देखना, जो भी आए सबको अच्छा है, बढ़िया है। सर बोलते हैं कि सभी आए तो चलेगा, आमदार तो एक आएगा ना, सब थोड़ी ना आएंगे चुन के। तो कहीं ना कहीं वर्क देखा जाता है, उसका काम देखा जाता है, और जनता के दिलों में जो जगह बना लेते हैं वो लगातार चुनकर भी आते हैं। भाई क्या कहना चाहते हैं, इस बार नागपुर पश्चिम में किसको आमदार देखना चाहते हैं? विकास भाव ठाकरे। क्यों? नाम ही विकास है। नाम ही विकास है और विकास भी है। अच्छा, वैसे मैं जहाँ तक मुझे याद है कि जब विकास भाव ठाकरे आमदार बने थे तो उस वक्त तीन उस दिन कोरोना काल लग गया था, उस वक्त दो साल ही कोरोना काल में रहे, तीन साल ही उनको मिले शायद जी। ठीक है, तो क्या वर्क है उनका, कैसा लग रहा है? भाई वर्क तो एक अलग चीज़ है, एक ऐसा इंसान चाहिए जो सबके साथ खड़े रहे, सबके साथ खड़े रहने वाला इंसान चाहिए। चाहे क्या, विकास ठाकरे सबके साथ खड़े रहते हैं? बिन दास सबके साथ खड़े। ये क्या वर्ष बोल रहे हैं आपके, उसके सबके साथ खड़े रहे? भाई देखे ना सबने। अच्छा, बाकी नेता नहीं खड़े रहते? बाकी भी खड़े रहते हैं, लेकिन ज्यादातर तो मैंने विकास भाव ले रहे हैं, वो तो अभी तक किस एरिया में आए भी नहीं। जिचकार साहब, नरेंद्र जिचकार साहब जो है ना, वो इस एरिया में अभी तक क्या आए नहीं, यहाँ पे 99% लोग उनको जानते भी नहीं होंगे। ये IBM रोड, IBM रोड क्या, पूरे पश्चिम क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वो गिनी चुने एरिया में ही जिचकार साहब गए हैं। विकास भाव ने यहाँ पे हर क्षेत्र में काम किए, हर क्षेत्र में काम किए, कोई भी प्रॉब्लम रहे विकास भाव के चले जाइए, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया। अच्छा, सुना है कि कोई भी कॉल करे तो वो रिसीव कर लेते क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सही है या गलत? सही बात है, सुना है, सही बात है, सही बात। किसी का भी कॉल रिसीव करते हैं? 100% सभी की बात सुनते हैं, सभी हर कास्ट वाले की बात सुनते हैं, हर कास्ट के लिए खड़े रहते हैं, हर आदमी में किसी में भेदभाव नहीं करते। मैंने तो आज तक यही देखा हूँ।
तो चलिए दोस्तों, इस प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। मैंने जैसा कहा कि IBM रोड पर है हम लोग और मस्जिद के पास में है, जहां पब्लिक का जो ओपिनियन था, हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत TNN24 न्यूज़ चैनल पर की है, सुरेंद्रगढ़ नहीं, IBM रोड गिट्टी खदान से। और लगातार आप देखते रहेंगे मेरे साथ यानी कि TNN24 पर रियाज शेख के साथ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की वो जनता की आवाज़ ओपिनियन के साथ, कौन बनेगा इस बार आमदार। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। जय हिंद दोस्तों।